स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट एवरीवन इज फाइन एट योर होम। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का लेसन वन कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, विकास करना। विकास की लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। कोई विकास को किसी तरीके से लेता है, कोई विकास को किसी तरीके से। मान लो मैं ही हूँ तो मेरी आय में बढ़ोतरी होना एक तरह से मेरा विकास है। मेरे बच्चों का अच्छा शिक्षा ग्रहण करना मेरे बच्चों का विकास है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पे, एक लेवल पे डिपेंड करता है मनुष्य की परिस्थितियों पर कि वो किस तरह से एक प्रोग्रेसिव, पहले से और ज्यादा बेहतर होता है और वो विकास कहलाता है। तो विकास को मापने के लिए, विकास का जो मापदंड है उसे दो इंस्टीट्यूट, दो जो बड़ी मेन जो अपने शाखाएं हैं सॉरी, एक विश्व बैंक और दूसरा है यूएनडीपी, इन दोनों ने विकास की अलग अलग परिभाषा दी है, अलग अलग मापदंडों को इन्होंने निर्धारित किया है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यूएनडीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इंग्लिश में इसको कंप्लीट पूछेंगे तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग, जिसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। छोटी मोटी संस्था नहीं है, पूरे विश्व की एक संयुक्त राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उन सबके ऊपर साझा एक सभी का मिला, सभी की सहमति से बना हुआ एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ है जो विकास से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा रखता है। तो इसका मापदंड यूएनडीपी से, यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक से थोड़ा अलग है। दोनों ही विश्व की बड़ी इंस्टीट्यूट से, बड़े जो संगठन है, बड़े संघ है जो विकास के अपने अपने ढंग से परिभाषा देते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। देखिए, यूएनडीपी किस तरह से अपने विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। यूएनडीपी की जो धारणा है वो संकीर्ण, व्यापक है, वो बड़े पैमाने पर है। वो आय का स्तर तो रखता ही है। देखो, आय का स्तर बिना किसी भी व्यक्ति के आय की कोई प्रोग्रेस नहीं होती। आय में बढ़ोतरी है तो हम पैसे से, हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा हम उससे सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, कोठे, कार, भाई जो भी हमें जीने के लिए अच्छी बेहतर सुविधाएं चाहिए, अच्छी शिक्षा बच्चों को दिला सकते हैं, तो वो चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? आय से। इसलिए आय को तो दोनों ने ही अपना मापदंड बनाया, विश्व बैंक ने भी और आपके यूएनडीपी ने भी। लेकिन यूएनडीपी जो है ये थोड़ी पहले से व्यापक है, क्योंकि इसने प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा को और उसके साथ साथ स्वास्थ्य को भी शामिल किया। ये कहता है प्रति व्यक्ति आय तो होनी ही होनी चाहिए, इसके बिना तो ना देश का विकास होता है, ना मनुष्य का होता है, ना राष्ट्र का होता है। लेकिन इसके लिए विकास कब होगा? जब शिक्षा होगी लोगों के पास, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जब उसका स्वास्थ्य सही होगा तो उसने किसी भी राष्ट्र के लिए विश्व यूएनडीपी ने तीन प्रमुख आधार बनाए हैं, विकास के तीन लक्ष्य निर्धारित किए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये व्यापक धारणा है, बड़े पैमाने पर इसने अपने विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया है, क्योंकि इसने मानव के जितने भी विभिन्न विभिन्न पहलू है उन सभी पर प्रकाश डाला, उन सभी को अपना आधार बनाया। शिक्षा के बिना कोई व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। अगर उसके पास पैसा भी है, उसे बोलने का तरीका नहीं आएगा, उसे शिक्षित लोगों से बात करने का ढंग नहीं आएगा, उसे ज्ञान की कमी होगी, उसे अच्छे लोगों में उठने बैठने के आचरण संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए शिक्षा भी जरूरी है। मान लो एक देश के दूसरे देश से डीलिंग होती है और अगर उन्हें पढ़ा लिखा नहीं है तो वो खुद ना जाकर किसी दूसरे को भेजेगा, वहां उसके साथ धोखा भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा, और जिस देश के जितने ज्यादा नागरिक शिक्षित होते हैं वो देश उतना ही तरक्की से, उतना ही प्रोग्रेसिव होता है। इसलिए यूएनडीपी ने शिक्षा को भी और स्वास्थ्य भी, इसके लिए उन्होंने विभिन्न तरह की सार्वजनिक सुविधाएं भी लोगों को मुहैया कराई है,
लोगों नागरिकों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उपलब्ध कराए। निःशुल्क शिक्षा भी हमारे भारत में 14 साल तक के बच्चों को सरकार की तरफ से मुहैया प्राप्त है। इस तरह से देशों का जो विकास है उसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि 2015 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत को UNDP ने 130 का दर्जा दिया गया, देशों में 130 नंबर का दर्जा दिया गया। इस तरह से ये तो मैंने बताया आपको UNDP का मापदंड। उसके बाद आता है विश्व विकास रिपोर्ट यानी विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट। देखो दोनों ही मेन संघ है और दोनों की अपनी अपनी धारणा है जो विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। उसी के अनुसार हम मापदंड बनाते हैं कि कौन देश विकसित है कौन नहीं है और कितने किसी राष्ट्र की आय है। तो विश्व बैंक क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो विश्व बैंक है इसमें तुलना का आधार केवल प्रति व्यक्ति आय को बनाया है। उसका कहना है कि जब व्यक्ति की आय सही है तो वो अपने लिए स्वास्थ्य का इंतजाम भी कर लेगा, अच्छी सुविधाएं भी अपने लोगों के लिए वो जुटा सकता है, पैसे के बिना तो इलाज भी संभव नहीं है, अच्छी शिक्षा भी वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन मेन उसके पास क्या होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की आय अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके, उसकी सेविंग हो सके फ्यूचर के लिए। इसलिए विश्व बैंक विकास की जो रिपोर्ट है उसने प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया है, जबकि UNDP ने किसको आधार बनाया था, शिक्षा को भी स्वास्थ्य को भी और प्रति व्यक्ति आय को भी। उसने तीन लक्ष्य निर्धारित किए थे, इसने केवल एक किया है। उसके बाद इसकी जो धारणा है विकास की वो संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब है तंग है, विचारधारा इसकी थोड़ी तंग है क्योंकि ये प्रति व्यक्ति आय से आगे नहीं बढ़ा। और व्यापक में हम किसे कह सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन के अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, अन्य पहलुओं को भी शामिल करता है। जब देशों को अमीर और गरीब दो देशों में बांटता है विश्व बैंक, क्योंकि ये प्रति व्यक्ति आय से निर्धारण करता है। जिस व्यक्ति की आय अच्छी है, जिस राष्ट्र की आय अच्छी है वो अमीर कहलाते हैं और जिनकी आय कम है वो निर्धन देश कहलाते हैं। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत निम्न आय मध्य निम्न आय वर्ग वाले देशों में आता है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई एक सूची जी, हम अब एक सवाल उठता है कि विकास सूचकांक क्या है। विकास सूचकांक का मतलब है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी 2016 के अनुसार विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर देशों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। किस तरह से, देखिए हम किस तरह से उन्हें विकसित अविकसित या विकासशील देशों में वर्गीकृत करते हैं या समृद्ध और संपन्न और गरीब देशों में, उसकी किस तरह से हम पहचान करते हैं कि ये देश समृद्ध है धनी है या वैभवशाली है या ये देश गरीब है। तो मैंने पहले बताया कि विश्व बैंक जो है वो देशों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, कौन कौन सी, अमीर और गरीब में। अब जो अमीर है समृद्ध है उच्च आय वाले देश है उन्हें हम कहते हैं विकसित देश। क्यों, क्योंकि इनकी आय का स्तर भी ऊंचा होता है, इनका जो स्वास्थ्य का स्तर है वो भी ऊंचा होता है और जीवन स्तर है वो भी इनका बेहतर होता है। तो कौन से ऐसे देश समृद्ध और उच्च आय वाले जो देश है, 2016 की जो रिपोर्ट आई है 2016 में उसमें प्रति व्यक्ति आय 12,236 12,236 प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की आय कम से कम 12,236 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो या इतनी होनी चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा, अमीर समृद्ध और उच्च आय वाले देश। अमेरिकी डॉलर से 12,236 उसका पैमाना मापदंड रखा गया, उससे प्रति व्यक्ति आय उतनी हो या उससे ज्यादा हो। उसके बाद गरीब देशों में कौन आते हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2016 में 1,005 अमेरिकी डॉलर से कम माने थे, कम आई प्रति वर्ष, हर साल की रिपोर्ट है। 2016 का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 2016 में अमेरिकी डॉलर से ज्यादा, अमेरिकी डॉलर की कीमत 12,236 रखी प्रति वर्ष, उससे ज्यादा हो या उतनी हो। और गरीब देश कौन से, 2016 में जिनकी आय 1,005 से कम हो वो क्या कहलाते हैं, गरीब और निर्धन देश। तो जो अमीर देश है इसे हम विकसित देश भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो मापदंड है उस सीमा से ही ऊपर है।
उनकी आय उससे ज्यादा है या उतनी है तो संपन्न देश हो गए, और जिनकी आय उस मापदंड से नीचे है जो निर्धारित किया गया तो वो हो गए गरीब देश। भारत को एक एग्जांपल भारत का ही देकर मैं आपको बताती हूँ कि भारत को मध्य निम्न आय वाला देश माना गया। क्यों? क्योंकि जब 2016 में इसकी मापदंड इसकी आय को निर्धारित किया गया तो इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल 1840 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। ठीक है, 1840 तो ये उस मापदंड को पार नहीं करती जो संपन्न देशों के लिए था, इसलिए ये निम्न मध्य आय वर्ग में गिना गया। विकसित देशों की जो आय होती है, जो साक्षरता दर होती है और निबल अनुपस्थिति अनुपात होता है, रोजगार होते हैं, जीवन स्तर की जो सुविधाएं होती है, बेहतर जीवन जीते हो तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती है तो वो कहलाते हैं उच्च आय वाले देश। उनके पास प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होता है, उनके पास पैसा होता है, उनके जो जीने का ढंग है वो अच्छे स्तर का होता है, उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, वो दिन पर दिन उनका तकनीकी ज्ञान भी, उनका विकास भी, उनका वैज्ञानिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो संपन्न देशों में गिने जाते हैं। गरीब, उनकी आय का स्तर भी कम, जीवन में वो पूरी सुविधाएं को हासिल नहीं कर पाते जो होने चाहिए, और ऊपर से उनका जो आय का मापदंड है वो उस प्रति व्यक्ति आय कम मानी है, कम होती है, इसलिए वो इधर उधर अपने जीवन यापन के लिए इधर उधर देखते हैं तो वो गरीब देश कहलाते हैं। विश्व बैंक को अगर माने तो ये UNDP की बजाय, अगर दोनों की तुलना करते हैं तो UNDP तो शिक्षा को भी लेकर चलता है, साक्षरता को भी लेकर चल रहा है, स्वास्थ्य को भी, लेकिन विश्व बैंक केवल व्यक्ति के आर्थिक विकास को, आर्थिक पहलू को देखते हुए आगे बढ़ता है। उसमें वो क्या क्या देखता है कि व्यक्ति को शांति भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए अच्छा, और पर्यावरण संबंधी सुविधाएं भी हो, और वो दीर्घायु भी हो और निरोगी भी हो। इस तरह से ये जो रिपोर्ट है आर्थिक पक्षों के साथ साथ इन चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तभी तो मनुष्य तरक्की कर पाएगा। मान लो एक व्यक्ति की आय अच्छी है लेकिन वो निरंतर बीमार रहता है तो वो किस तरह से, कभी ना कभी तो उसे रोजगार छोड़ना पड़ेगा, कभी ना कभी तो घर बैठेगा तो उसका कहां हम उसका आर्थिक विकास कम कर पाएंगे, इसलिए इन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। आदि सबसे बड़ी बात है आय का समान वितरण प्रदान नहीं है हमारे देश में। अगर हम राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो हम वो सही पैमाना नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं लगता, हम प्रति व्यक्ति आय अनुमान से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या और फिर प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो उससे हमें क्या पता कि कितने लोगों की आय कितनी है, बस हम तो अंदाजे से निकाल लेते हैं कि प्रति व्यक्ति इस राष्ट्र में इतनी तनख्वाह मिलती होगी। लेकिन कई बार देखो आप एक ही ऑफिस में काम करने वालों की तनख्वाह किसी की तो लाख से ऊपर जा रही होती है और किसी को 20,000 भी मिलते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय भी हम इस तरीके से निकाल कर एक अनुमान लगा सकते हैं, सटीक नहीं निकाल सकते कि हाँ इतने व्यक्तियों को इतनी तनख्वाह मिलती है। तो इस तरह से आय के अलावा अन्य चीजें भी इंसान चाहता है। देखो जब हम विकास ही ले रहे हैं कि एक तरह से विकास क्या है, तो विकास में केवल हम आर्थिक पहलुओं को नहीं देखेंगे, पैसा तो है ही है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। आप बीमार पड़ जाओ, दवाई के लिए भी पैसा नहीं है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप आपके बच्चे की 2 महीने की फीस नहीं है तो आप स्कूल जाकर हिचकिचाओगे, स्कूल से भी आपको फोन आएंगे, हम भी करेंगे, क्यों, हमें पैसों की जरूरत है, हमारी फैमिली जब आप लोग दोगे तो हम अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, तो एक ही चैन बनी हुई है। तो इस तरह से आय तो है ही है सामने, क्योंकि आय से ही घर चलता है, आय कहीं भी रुक जाएगी वहीं पर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन आय के साथ साथ मनुष्य एक सामाजिक जीवन जीता है, समाज में जीता है तो उसे कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। वो 6 मुख्य बातें कौन सी है? सबसे पहले बराबरी का व्यवहार। जब भी इंसान समाज में रहता है तो उपेक्षित महसूस करता है, अगर उसे तंग किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, हीन समझा जाता है, इसलिए जो आज हमारी सरकारें काम कर रही है दलित जाति को उठाने के लिए, जो पीछे रहे किनारे पर रहते हैं, आदिवासी हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या महिलाएं हैं, सबको बराबरी का व्यवहार दिलाने के लिए संघर्ष हुआ, उनको दिलाया गया। क्यों? क्योंकि सामाजिक व्यक्ति समाज में बराबरी का व्यवहार चाहता है, अदरवाइज उसके जीने का तरीका बदल जाता है, वो कभी भी, कई बार क्या होता है कि उपेक्षित महसूस करते हुए किसी अपराध की श्रेणी में भी चला जाता है। इसलिए सबसे पहले इंसान को
वो उपेक्षित महसूस ना करे, उसे समानता का व्यवहार हो। सभी सरकारें सभी नागरिकों के अधिकारों में शामिल किया गया है समानता का अधिकार, इसीलिए दिया गया कि सभी को समान अधिकार मिले क्योंकि ये उसका अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को आजादी चाहिए कहीं भी रहने की, कुछ भी खाने की, अपने मन के उद्गार वो प्रकट करने की, किसी स्कूल में दाखिल होने की, कोई रोजगार खोलने की, कहीं आजादी से आ जा जाए। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो आप देखिए पिंजरे में बंद करते पक्षी भी नहीं रह सकता। इसीलिए हर देश की सरकारें स्वतंत्रता का अधिकार भी अपने नागरिकों को उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि समाज में रहते हुए व्यक्ति को चाहिए आजादी। आजादी के बिना ऐसे लगता है कि वो पराधीन है। अपने देश पर जब अंग्रेजों ने शासन किया, जी तो हम तब भी रहते लेकिन पराधीनता के दायरे में, जो हमें मंजूर नहीं था उसी के लिए हमने संघर्ष किया, आज हम आजादी से जी रहे। तो आजादी है जो स्वतंत्रता, ये सबको चाहिए। घर में भी एक बच्चे को अपने हक अपने ढंग से जीने की आजादी चाहिए। उसके बाद सुरक्षा, अगर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो फिर उसका हर समय वो भयभीत रहेगा अपने परिवार को लेकर, खुद को लेकर। तो सुरक्षा भी उसे जरूरी है, इसीलिए देश की जो सरकार है हमारे पुलिस बल को सैन्य बल को तैनात करके रखती है कि ताकि कहीं भी ऐसा किसी व्यक्ति को लगे तो उसे इस तरह की सुविधाएं दी जाए। ये भी आर्थिक विकास के साथ साथ आधार है, मापदंड है। उसके बाद दूसरे से आदर पाना, आप समाज में रहते हो, बड़े हो, लेकिन एक व्यक्ति आपका आदर नहीं करता और आपसे छोटे किसी दूसरे व्यक्ति का आदर करता है तो आपको वो भी फील होगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो बुजुर्ग पने के हिसाब से, या एजुकेटेड ज्यादा हो, या आपका भाई पैसा ज्यादा अच्छा है, उसके हिसाब से अगर आपको सम्मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, तो भी आप उपेक्षित महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए दूसरों से आदर पाना। अगली चीज है प्रदूषण मुक्त वातावरण। अगर हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां प्रदूषण है, पर्यावरण ठीक नहीं है, तो हम आए दिन बीमार पड़ेंगे, आए दिन समस्याओं से घिरे रहेंगे। हमारी सरकार निरंतर प्रदूषण से संबंधित हमें संदेश पहुंचाती है। किस लिए? क्योंकि धीरे धीरे चारों तरफ इस तरह से माहौल बन जाएगा कि अनेकों बीमारियां फैल जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधी तो फैलेंगी फैलेंगी। आपका जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये इतने ज्यादा फैल जाएंगे कि आपको बाहर निकलने तक में भी परेशानी होने लगेगी। तो एक व्यक्ति के लिए ये भी सुविधाओं में आता है, विकास में आता है। अगर उसे साफ प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है तो भी वो तरक्की करता है। उसके बाद लोगों को प्राप्त राजनीतिक अधिकार। लोगों को जितने भी अधिकार गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त है वो उन्हें उनका उपयोग करें। अगर उनका हनन होता है तो न्यायालय उनका न्याय करे, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए जरूरी है और हर देश के नागरिक को ये अधिकार सरकार की तरफ से मिलने चाहिए और मिले हुए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आय के अलावा भी कितनी चीजें और है जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, सभ्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरे से सम्मान पाना, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलना और लोगों को प्राप्त राजनीतिक अधिकार। इस प्रकार आज हमने विश्व बैंक UNDP की रिपोर्ट के साथ साथ विकसित और अविकसित देशों के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने प्रति व्यक्ति आय के अलावा हमें विकास के और कौन से पहलू चाहिए, किनके द्वारा एक मनुष्य अपने स्तर को और ज्यादा बढ़िया बना सकता है, जीने के लिए और ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है, इस तरह से इन पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं बुक से पिक इसलिए भेज रही हूँ कि समझाने में इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं लिख पाते, इसलिए आप ये मत सोचा दीजिए कि मैडम ने समझाया और फिर पिक क्यों होती, वो आपको याद करने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि जो भी टेस्ट होगा अगला वो आपके लिए क्वेश्चन, इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। जब मैं नोटबुक मांगती हूँ आपसे गूगल के दौरान, तो आपकी नोटबुक मुश्किल से 2 या 3 बच्चों की निकल कर आती है। किसी दिन आपको स्कूल में बुलाकर आपकी नोटबुक भी चेक हो सकती है, आप अपना काम रखें। ओके, थैंक्स।